सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है नवरात्रि का लास्ट डे, जो कि हमारे घर पे अभी पूजा हो रहा है। और आज इसलिए पूजा हो रहा है क्योंकि हमेशा से होता है और सबसे बाकी आज तो पूजा हो ही रहा है। अभी मैं लेके चलता हूँ, आपको अंदर दिखाता हूँ। और हमारे घर तो बच्चों को खिलाते हैं, मतलब माता को खिलाते हैं। जो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, उनको खाना खिलाते हैं, प्रसाद देते हैं। बाकी अभी तो पूजा हो जाएगा, फिर बच्चों को ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चे मिलने मिलने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी अभी ढूंढेंगे, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, बाहर निकलेंगे फिर ढूंढेंगे जब पूजा कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको जहाँ पूजा हो रहा है। बाकी पूजा हो जाए, ये देखो ये सारा बेच चुका है बच्चों को खाने के लिए, लाइट नहीं है। एक चीज दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे खीर बन रहा है, ये देखो बहन कहाँ बैठी, तो ये कहाँ बैठी, पूरे स्लैब पर बैठ के ऊपर चढ़ के खीर बना रही है। क्या करे, छोटी रहेगी ना, हाइट छोटा पड़ गया ना, इस वजह से स्लैब पे चढ़ना पड़ता है। देखते कब तक ये खीर बन जाता है, जब तक ये यहीं बैठी रहेगी। इसलिए कहते हैं कॉम्प्लेन की कॉम्प्लेन हाइट बढ़ाने के लिए, नहीं तो ऐसे ही करना पड़ेगा। देख लो स्लैब पे चढ़ के खाना बनाना पड़ेगा। बाय दादी। तो गाइस हमारे घर पे पहली माता जी आ गई हैं, तो अभी कोई आया नहीं है, फर्स्ट यही है। दिखाता हूँ आपको, ये देखो अभी कोई नहीं है, बाकी सब जब मम्मी गई है ढूंढने के लिए कि मिल जाए कोई। और इस टाइम पे तो भाई नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए ढूंढना ही पड़ेगा। बाकी मम्मी गई है, मम्मी लेके आई है, अभी तो घर पे ही है। मैं तो कह रहा था मम्मी मैं चलता हूँ कट्टा लेके चलता हूँ, जहाँ दिखेंगी बच्चियाँ छोटी छोटी वही भर के लेके आ जाएगा घर पे। छोटे छोटे देख ही रहा मम्मी बाहर और बाहर, कोई मिले जब तुम। अरे मम्मी कोई नहीं है यार, ऐसे एक बच्चों की कमी है और वही नहीं मिल रहा, कहाँ जाऊँ ढूंढने। पांच बच्चे आ गए, छह भी हो जाए फिर भी चलेगा, पर छह होने जब तो आज मिलना मुश्किल है 9 बजे तक। कोई नहीं, उधर पूरी गली खाली है, देख लिया, कोई नहीं दिखा, चुन्नी ले लो। क्या रहा तो लो, ये कह रहा हूँ खाली है पूरी गली, कोई नहीं है। जाओ किसी के घर से पकड़ के लेकर, ऐसे नहीं हो पाएगा। ढूंढना पड़ रहा आज, मम्मी लड़के लेके आ रही है एक को। चलो चलो चलो, मम्मी चुरा के लेके आ रही है। उधर कहाँ मम्मी, अब
फाइनली कंप्लीट हो गया, छः हुए हैं टोटल, ऐसे तो 8 या 9 होने चाहिए, बट जितने मिले उतना ही काफ़ी है। बाकी देखते हैं कोई और भी मिल जाता है तो ठीक है। तो फाइनली गाइस बच्चे खा के चले गए हैं, वो कितने छोटे छोटे आ गए थे कि आंखें नहीं खोल रहे थे यार, वो उनके मुंह में ऐसे थोड़ा सा करके डालना पड़ा, हमें आंखें नहीं खोले, बिल्कुल भी नहीं आँख खोले, सोए हुए थे। बाकी खा के सारे चले गए हैं, पूजा भी हो गया कंप्लीट और मैं भी व्रत था आज, मैं व्रत खोलूँगा अपना, 9 दिन नहीं था, फर्स्ट एंड लास्ट था, बाकी आज खाऊंगा। कितना अच्छा आ रहा है, अभी तक खीर बना नहीं है, लगता है आज बन नहीं पाएगा खीर, अभी तक खीर बना नहीं है, देखते कब तक बन जाता है, प्रोसेस में है। अभी चीजें प्रोसेस में, देखते कब तक बन जाता है। वैसे भी जो खीर होता है वो शायद बच्चों को नहीं खिलाते, पूड़ी होता है, सब्जी होता है, सब्जी में भी वो चने की सब्जी होती है और प्रसाद होता है, वो सारी चीज़ें खिलाते हैं, खीर तो अपने लिए बन रहा है, घर में खाने के लिए, बाकी प्रोसेस में है, बन जाता है तो देखते हमें कब मिलता है। तो हमारे खाने की बारी आ गई है, अब हम भी जा रहे हैं खाने, मैं दिखाता हूँ आपको मेरा खाना, ये देखो कल का व्रत है ना, तभी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। फाइनली गाइस खाना वाना खा लिया हूँ, अब थोड़ी देर आराम करूँगा क्योंकि थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, पहले जाता हूँ सोऊंगा यहाँ पहले, क्योंकि सुबह में जल्दी उठ गया था, सुबह में कितने बजे उठ गया था, सुबह में 5 या 5:30 बजे तक उठ गया था, तो अभी नींद आ रहा, अभी जा रहा हूँ सोऊंगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। सो गाइस मैं उठ चुका हूँ, सो रखा था, और उठते ही मुझे एक चीज़ की बस याद आई है, वो क्या कि भाई साहब उस टाइम खीर बन रहा था और मैं खीर नहीं खाया था, तो खा के सोया था, फिर जा रहा हूँ खाने के लिए, क्योंकि खीर तो रह गया था ना उस टाइम, इतना मेहनत से बनाई मेरी बहन, देखे थे आप कैसे बना रही थी, बाकी किचन में ही खड़ा हूँ मैं, अब जा रहा हूँ खीर खाने के लिए, सारा चीज़ तो पच गया, खा लिया तो ख़त्म, दोबारा जा रहा हूँ खाने के लिए, यही रह गया ज़िंदगी में, सो खाओ उठो फिर खाओ फिर सो, यही रह गया कुछ नहीं। अभी चलता हूँ, इसमें है शायद, हाँ है, अभी निकालता हूँ इसमें से और खाता हूँ, किचन को इग्नोर करो क्योंकि फैला हुआ है अभी, क्योंकि सफाई नहीं हुई है, सब के सब सो गए थे खाने के बाद, बाकी थोड़ा मैं भी खाता हूँ। थोड़ा ही लिया हूँ, ज़्यादा नहीं लिया, टेस्टी है, खा लेता हूँ ज्यादा, काम तमाम कर दिया, अब थोड़ा राहत मिला पेट में, मैं सो के उठते ही मेरे दिमाग में ये आया चलो पहले तो खीर खाऊंगा। सो गाइस अभी घर में मोमोज बनने वाला है, उसका प्रोसेस चल रहा है पीछे या नीचे पे। और अभी मैं लेके आऊंगा चौमिन, जिसका बनेगा चौमिन वाला मोमोज, तो अभी दिखाता हूँ बनने के बाद।
ये सब मिक्स हो रहा है एक में। मुझे लगा था अलग अलग बनेगा, मुझे लगा था अलग अलग बनेगा, पर ये तो सारा ही एक में मिक्स कर दी। कोई नहीं, जो चाउमीन वाला होगा वो अलग बनेगा, बाकी ये सारा एक में मिक्स बनेगा। बनने के बाद खा के बताता हूँ कैसा बना है। अभी तो प्रोसेस चल रहा, आधा घंटा तो लगेगा इसको बनने में। गाइज एक बहुत ही पर्सनल चीज बता रहा हूँ, देखो मैं दादी के लिए लेके आता हूँ, कुछ भी खाती नहीं है, क्योंकि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। बाकी फास्ट फूड तो मेरी दादी को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है ना भाई। कुछ भी पेट के हिसाब से खा लेते हैं। और आइसक्रीम, आइसक्रीम बहुत पसंद, बहुत पसंद आइसक्रीम, तो पूछो मत। आइसक्रीम के लिए कुछ भी कर देंगे, चार भी दे देंगे आइसक्रीम के लिए, तो इतना ज्यादा पसंद है दादी को आइसक्रीम। हमेशा लाके खिलाता रहता हूँ मैं। बाकी अभी जा रहा हूँ, चाउमीन लेके आने, क्योंकि थोड़ा सा मोमोज, चाउमीन वाले भी मोमोज बनाने के लिए। लेट्स गो। सो गाइज हमारा मोमोज बन के हो गया है, तब मैं दिखाता हूँ आपको और खा के बताता हूँ कैसा लगता है। ये देखो, ये घर का बना हुआ हेल्दी मोमोज, और ये चटनी। गया तो मैं फिंगर लेने के लिए, क्योंकि दादी खा रही है, फिंगर लेने के लिए गया था, पर उसके साथ चटनी भी लेके आया था, और उस मोमोज के चटनी के साथ खाएंगे हम। मैं खा के दिखाता हूँ कैसा। ये आलू है, बाहर से तो ज्यादा बने। बहुत ज्यादा तीखा है, मेरे तो आंसू निकल गए। अभी तो चाउमीन वाला बाकी है, उसको खाएंगे तो क्या होगा। बहुत दिन से नहीं मिला था खाने के लिए, नहीं कुछ भी, तो नौ दस दिन से। सो गाइस, अब मैं ट्राई करने वाला हूँ चाउमीन वाला मोमोज, देखते हैं कैसा है। वो वाला तो खा के बताया बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। अब ये चाउमीन वाला ट्राई करके बताता हूँ कैसा लग रहा। चाउमीन चाउमीन का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, पूरा चाउमीन फिल किया हुआ ना। अच्छा, दुकान वाले सबसे ज्यादा से टेस्टी, घर पे बना हुआ सबसे अच्छा मोमोज, घर पे बना के खाओ। सो गाइस, मोमोज वो सारा खा लिया, बाकी सो वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, लव यू।